इसको हम लोग थोड़ा मैपिंग से क्वेश्चंस को समझते हैं। आपको दिया हुआ है कि दो प्लेस हैं ए और बी, तो इसको हम लोग मैप करते हैं। ये हो गया आपका एक हाईवे, ये प्लस ए हो गया और ये हो गया प्लस बी। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस हो गया आपका 100 किलोमीटर। अब कहता है कि एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है। तो ए से स्टार्ट होने वाले कार का हम लोग स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग आ जाते हैं स्पीड ऑफ कार, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ से स्टार्ट होने वाले कार का हमने स्पीड एक्स किलोमीटर ले लिया, और यहाँ से स्टार्ट होने वाले कार का हमने स्पीड y किलोमीटर ले लिया। अब सपोज़ करिए ये दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। दिया हुआ है कि दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। A से स्टार्ट होने वाला कार मान लीजिए इस डायरेक्शंस में चल रहा है, इधर चल रहा है, और B से भी स्टार्ट होने वाले कार इस डायरेक्शंस में चल रहा है, इस डायरेक्शंस में। अब ये दोनों 5 आवर्स में आपस में मिल जाते हैं। तो A यहाँ से चल करके 5 आवर में सी तक पहुंच जाता है, और बी भी यहां से चल के 5 आवर में सी तक पहुंच जाता है, और दोनों 5 आवर में सी तक पहुंचते हैं। तो हम लोग फिर से लेते हैं कि इन फाइव आवर्स कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए रीच टू द पॉइंट सी, स्टार्ट फ्रॉम ए ट्रेवल्स 5x किलोमीटर एंड रीचेस टू सी, एंड इन 5 आवर्स कार starts from B travels 5y kilometer and reaches to C। मतलब कार A से स्टार्ट होकर के 5 आवर्स में 5x किलोमीटर जाएगा। चूँकि 1 आवर में x किलोमीटर जाता है, तो 5 आवर्स में 5x किलोमीटर जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कर चल करके ये C पे पहुँचता है, तो ये डिस्टेंस इसका हो गया 5x किलोमीटर। C तक पहुँचता है 5 आवर्स में A से स्टार्ट होकर के। अब B से स्टार्ट होकर के 1 आवर में B से स्टार्ट होने वाली कार y किलोमीटर जाता है, तो 5 आवर्स में ये 5y किलोमीटर चलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 5y। अब आप देखिए, टोटल डिस्टेंस A से C तक हुआ 5x किलोमीटर और B से C तक हुआ 5y किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस बचता है। टोटल में ये पार्ट हम लोग माइनस कर दिए, ये पार्ट माइनस कर रहे हैं टोटल में, तो ये बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव एक्स माइनस 5y इक्वल टू 100, और 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। Therefore, x माइनस वाई, ये 5 इधर ला करके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
20। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शंस में चलता है, तो ये सिचुएशन आया। अब कहता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में यानी एक दूसरे के तरफ चलता है। सपोज करिए कि ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो ये एक घंटे में, ए एक घंटे में डी तक पहुंच जाता है। सपोज करिए ये डी तक पहुंच गया एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल के, और बी भी इसी डायरेक्शन इस सेम अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है यानी बी इधर से चल के एक घंटे में यहाँ चला आता है डी पर। तो अब हम लोग लिखते हैं कि इन वन आवर कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कार स्टार्ट्स फ्रॉम इन वन आवर कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए ट्रेवल्स एक्स किलोमीटर एंड रीचेस टू डी। यहाँ से एक्स किलोमीटर चल के डी तक पहुँचता है, ये डिस्टेंस हो गया एक्स किलोमीटर। एंड इन वन आवर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी से स्टार्ट होता है और जिधर ए है उधर चलता है, ये इस डायरेक्शन में चलता है। फ्रॉम बी ट्रेवल्स y किलोमीटर एंड रीचेस टू डी। ये y किलोमीटर है और d तक पहुंचता है। अब ये देखिए ये x किलोमीटर इतना हो गया और इतना हो गया y किलोमीटर। इस दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 100 किलोमीटर हो जाता है यानी x प्लस y इक्वल टू 100। तो अगेन क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने से आपको क्या मिलता है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 120। देयरफॉर x इज इक्वल टू 120। Therefore, x is equal to 60. So, x हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब x का ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं, replacing the value of x in equation first, x minus y equal to 20 and 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, देयरफॉर वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोथ द कार्स। सो स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया।